साहब नमस्कार, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। नजीबाबाद में बार काउंसिल अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के लिए धीरेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह यादव के बीच चुनाव हुआ, जिसमें धीरेंद्र सिंह विजय हुए। धीरेंद्र सिंह को 123 जबकि धर्मेंद्र यादव को 108 मत प्राप्त हुए। जबकि सेक्रेटरी पद के लिए इमरान एडवोकेट एवं जितेंद्र उर्फ जीतू के बीच चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जितेंद्र राजपूत विजय हुए। जितेंद्र राजपूत को 125 तथा इमरान अहमद को 107 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा कोषाध्यक्ष एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए भी चुनाव हुआ। कोषाध्यक्ष के लिए जावेद कमर सिद्दीकी एवं अबरार अहमद के बीच चुनाव हुआ, जिसमें जावेद कमर सिद्दीकी विजय रहे। जावेद कमर सिद्दीकी को 119 तथा अबरार अहमद को 114 मत प्राप्त हुए। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए देव प्रताप यादव को निर्विरोध चुना गया। लगभग 239 अधिवक्ताओं में से 236 अधिवक्ताओं ने अपने मत का उपयोग किया। बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष वसीम अहमद एडवोकेट ने बताया कि मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्या, नजीबाबाद। चुनाव में अगर कमेटी चेयरमैन की हैसियत से कमेटी की ओर से मैं चुनाव परिणाम की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष पद हेतु धर्मेंद्र यादव को 108 मत मिले हैं और धीरेंद्र सिंह को 123 मत मिले हैं और 3 मत कैंसिल हुए हैं। इस प्रकार से धीरेंद्र सिंह विजय घोषित किए गए हैं। महामंत्री सचिव हेतु महासचिव हेतु जितेंद्र राजपूत को 124 मत प्राप्त हुए हैं और इमरान अहमद को 107 मत प्राप्त हुए हैं और एक मत कैंसिल, एक मत का कोरा है। इस प्रकार से 224 में जितेंद्र राजपूत को 124 मत प्राप्त हुए हैं। ज्यादा महासचिव जितेंद्र राजपूत घोषित किए जाते हैं। 163 मत देवेंद्र प्रताप सिंह मिले, देव प्रताप सिंह के मिले हैं और नजाकत अली को 71 मत मिले हैं, दो और कैंसिल हुए हैं। इस प्रकार से 224 में से 163 मत देव प्रताप सिंह को प्राप्त हुए हैं, जो सह सचिव घोषित किए जाते हैं। अबरार अहमद को 114 मत प्राप्त हुए हैं, जावेद कमर सिद्दीकी को 119 मत प्राप्त हुए हैं, एक मत कैंसिल हो गया। इस प्रकार से 234 में से जावेद कमर 119 मत प्राप्त हुए हैं, जावेद कमर सिद्दीकी 119 मत प्राप्त हुए हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।